सो गाइस आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं। तो गाइस आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स के थीम्स सेटिंग्स के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में बता दिया है, यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं थीम सेटिंग्स के बारे में। तो यदि आप लोग भी इसे जानना चाहते हैं, इसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर अप्लाई करके देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। और यदि आप लोग की वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस तुम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर लेफ्ट प्रेस करेंगे और चले जाएंगे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन में। जैसे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन में आते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का सेटिंग्स ओपन होकर आ जाता है, जिसमें से मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड सेटिंग्स, कलर सेटिंग्स एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में बता दिया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं थीम्स सेटिंग के बारे में, इसका हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में किस तरह से यूज करेंगे। सेम टू सेम जैसे लैपटॉप में आप करते हैं उसी तरह से आप उसका यूज कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम थीम्स पे क्लिक करते हैं। जैसे हम थीम्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे थीम्स पे जो एक तरह से सेम टू सेम ना थीम्स ना वॉलपेपर की तरह होता है। फोन में हम अपना थीम्स चेंज करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो इसी तरह से होता है लैपटॉप में भी या कंप्यूटर में भी। आप किस तरह का थीम्स अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम वही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है, गेट मोर थीम्स इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यदि आप लोगों को कोई थीम्स डाउनलोड करना है खासकर, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, जैसे आप लोग प्ले स्टोर से कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं फोन में, उसी तरह से होता है लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी थीम्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और डाउनलोड करने के बाद उसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड इमेज क्या है, एक तो है कलर क्या है, डिफॉल्ट है और ब्लू कलर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर का है। साउंड क्या है, तो विंडोज डिफॉल्ट, यानी इसमें विंडोज का ही साउंड है। इसके बाद क्या है, माउस कर्सर, तो माउस कर्सर क्या है, कस्टम है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये ओपन होकर आ जाएगा। तो बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। देखिए जैसे हम इस फिर इस पे क्लिक करेंगे कलर पे, तो हमें कलर्स वाला में वो भेज देगा। तो कलर्स का हम किस तरह से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर हम थीम्स पे आएंगे, फिर साउंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें साउंड में डिटेक्ट कर देगा, यानी यदि आप लोगों के कंप्यूटर या लैपटॉप में साउंड का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ने यहाँ से आकर उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे माउस का जो कर्सर है वो किस तरह का है। यदि आप लोग अपने माउस का कर्सर चेंज कर, तो आप लोग इस पे क्लिक कीजिए माउस कर्सर पे, और क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का ओपन होकर आ जाएगा। आप लोग ने यहाँ से जो भी आप कर्सर लगाना चाहते हैं अपने स्क्रीन पर, तो आप उस कर्सर को सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, देन ओके कर दीजिएगा। तो क्या होगा, वो आपके माउस के कर्सर पे सेट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे साइड में मिल जाएगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, हाई कॉन्ट्रास्ट सेटिंग एंड सिंक्योर सेटिंग। ये तीनों क्या है मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। सो गाइस तो डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में आप लोगों को पहले बता देता हूँ। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी ना जब आप नया लैपटॉप या नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें देखते हुएगा किसी किसी में ना दिस पीसी यानी तो कंट्रोल पैनल वाला ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिखता रहता है। बट आप चाहते रहते हैं जो आप अपने डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल, दिस पीसी, जिस जिस चीज का आप आइकन लगाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे आकर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जब आइएगा थीम्स वाले ऑप्शन पे, तो देखिए जब आप डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने ये आ जाएगा पेज ओपन होके। जैसे कि मान लीजिए मेरा ना सिर्फ रिसाइकल बिन जो ऑप्शन है वो इसमें खुला हुआ है, मेरा में ना दिस पीसी, देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर, ये सब भी बंद है, यानी कंप्यूटर का मतलब हो गया दिस पीसी, ये सब बंद है। तो यदि इस सब पे टिक करके अगर हम अप्लाई कर देते हैं एंड देन ओके कर देते हैं तो ये हमारे स्क्रीन पे शो होने लगा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिस पीसी, कंट्रोल पैनल सभी यहाँ पे ये शो होने लगता है। और अपना कंट्रोल पैनल का जो वर्क है आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, और दिस पीसी का जो वर्क है आप लोग यहाँ पे जाकर कर सकते हैं। देन इसके बाद आप लोग को मिल जाता है यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट सेटिंग। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बैकग्राउंड सेटिंग के बारे में बताया था, कलर सेटिंग में भी बताया था। तो देखिए जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का ओपन होकर आ जाता है। तो हाई कॉन्ट्रास्ट सेटिंग का यूज आप जैसे इसको ओपन कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाता है, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो आप लोग इसे ऑन करके रख सकते हैं। ये होता है हाई कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद हम चलते हैं फिर से थीम सेटिंग पे, एंड देन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है सिंक योर सेटिंग। सो गाइस तो सिंक योर सेटिंग है क्या, मैं आप लोगों को बता दूँ क्या होता है। कभी कभी जब आप अपने लैपटॉप को किसी अनदर लैपटॉप में यूज करना चाहते हैं तो अपना सेम ईमेल आईडी से उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो सेम ईमेल आईडी से जब आप उसको लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को पता नहीं जो कौन सा ईमेल आईडी आपने इसमें डाला है, तो आप लोग यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं। देखिए सिंक योर सेटिंग्स टू अदर डिवाइस यूजिंग, जब आप अपने डिवाइस को किसी अदर डिवाइस में यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों को ना किससे उसको सिंक करना पड़ेगा, इस ईमेल आईडी से। यहाँ पे ईमेल आईडी से हो रहा है, आपको इस ईमेल आईडी से उसको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और यदि आप लोग की वीडियो अच्छा लगा और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।